अयोध्या में रामलला विराजित होंगे उसको लेकर के डीजीपी उत्तर प्रदेश ने तमाम तरीके के निर्देश उत्तर प्रदेश पुलिस को दिए हैं। जनपद चित्रकूट में नवागांतुक पुलिस अधीक्षक आए हैं एके सिंह, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से चरण पादुका यात्रा है और तरीके जो पुलिस की सुविधाएं हो कैसे दी जाएंगी और इस यात्रा को कैसे सकुशल निकाला जाएगा? देखिए, भगवान राम के जीवन में चित्रकूट का बहुत बड़ा महत्व और भगवान राम में आस्था रखने वाले लोगों ने इस पावन नगरी से एक चरण पादुका यात्रा का आयोजन किया है जो भरतकूप से प्रारंभ होकर के और गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली राजापुर होते हुए फिर जनपद कौशाम्बी में प्रवेश करेगी और उन्हीं मार्गों से जिधर से भगवान श्री राम आए थे और छोटे भैया भरत जी उन्हें मनाने के लिए आए थे और चरण पादुका लेके गए थे, ये यात्रा गुजरते हुए पावन नगरी अयोध्या तक जाएगी। 15 तारीख को प्रातःकाल 9 बजे के आसपास भरतकूप मंदिर पर वो पादुका आएगी, वहाँ उन पादुका का स्नान होगा, मंदिर में जाएंगे और आयोजन समिति के लोग 3 रथ पर ये पादुका लेकर के, उनके साथ एक बस भी है, कुछ और 4 पहिया वाहन है, इन्हीं मार्गों से जैसे मैंने बताया जाएंगे। पहले दिन का उनका रात्रि विश्राम रामायण मेला में है और फिर जब वहां से उठेंगे अगले दिन की यात्रा 16 तारीख को स्टार्ट होगा और उसका सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव जो गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि राजापुर है और वहां से इस जनपद से आगे बढ़ करके कौशाम्बी में प्रवेश करेंगे। पुलिस की ओर से इस आयोजक मंडल के साथ साथ पुलिस की पार्टी होगी जो आगे पीछे अगल बगल जिसे हम बॉक्स फॉर्मेशन कहते हैं उसमें इस पूरी यात्रा को ले जाएंगे। रास्ते में पड़ने वाले महत्वपूर्ण स्थानों पर जहां इस बात की पूरी संभावना है कि लोग स्वागत करेंगे, उन स्थानों पर कुछ रूप टॉप पर भी हमारी ड्यूटियाँ लगी हैं जो सतत निगरानी करेगी, ड्रोन कैमरे भी इस पर नज़र रखेंगे। LIU के साथ साथ सादा कपड़ा में सिविल पुलिस के भी कुछ लोग इसकी निगरानी के लिए निरंतर पूरे मार्ग पर रहेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से इस बात के लिए कटिबद्ध है कि यह भव्य आयोजन निर्विघ्न सकुशल संपन्न हो और उसी कड़ी में, क्योंकि हम भी उत्तर प्रदेश पुलिस का अंग हैं, तो चित्रकूट पुलिस भी पूरे सद्भाव से, पूरे मनोयोग से, पूरी आस्था से और पूरे दायित्व के साथ, क्योंकि हम सेवा में हमारा विधिक दायित्व भी, दायित्व के साथ इस यात्रा को निर्विघ्न सफल कराने के लिए कटिबद्ध है और हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि यात्रा निर्विघ्न संपूर्ण। सर, एक अंतिम प्रश्न ये है कि चित्रकूट से भी कई VIP जाने हैं अयोध्या, VIP रूट भी है, ट्रेन का भी, मालीपुर जंक्शन भी है, इस तरीके के जो रूट है उसको 22 जनवरी किस तरीके देखा जाएगा? मैंने पहले बताया कि चाहे लोग ट्रेन से जाएं चाहे बाई रोड जाएं, क्योंकि चित्रकूट का बड़ा अहम रोल है और इधर से जाने वाले लोगों की भी संख्या पर्याप्त हो तो उनको देखते हुए हमारी पिकेट, पेट्रोलिंग, गश्त पार्टियां राउंड द क्लॉक रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और मार्गों पे भी हैं और वो ड्यूटियां हमारे अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सब लगा ली गई हैं और उस तरह से ही सबको समय से खड़ा किया जाएगा और कहीं किसी तरह का विघ्न नहीं होने पाएगा। तो हमारे साथ है चित्रकूट के नवागांतुक पुलिस अधीक्षक एके सिंह, जो कह रहे हैं कि सुविधाएं जो भी दी जाएंगी उन्हें बेहतर तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा, जो भी राम भक्त होंगे जितने भी कार्यक्रम होंगे उन्हें सूचीबद्ध तरीके से सुरक्षा के साथ संपन्न कराया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ अनुज अहमद, हिंदी खबर, चित्रकूट।